साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। आज देख रहे हैं मेरे भाई रूही अली नुसरत साहब मेरे पास आए हुए हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़हीन और बड़े कमाल मिजाज वाले आदमी हैं। तो मैं हमेशा उस आदमी को देख करके, वैसे तो सबको ही देख के मैं खुश होता हूँ, लेकिन और उसे देख के खुश होता हूँ जो म्यूज़िक से बहुत लव करे, उसका पैशन ही म्यूज़िक हो, उसका खाना सोना सांस लेना सिर्फ म्यूज़िक हो। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि म्यूज़िक की दुनिया में जो आदमी पहुंच जाता है ना, तो उसको उसके अलावा कोई और दुनिया अच्छी नहीं लगती। जैसे कहते हैं ना फिल्मी दुनिया, ऐसे ही म्यूज़िक की और फिल्मी दुनिया एक ही है। तो रूही भाई, आप बताइए, आपको कैसा लगा मेरे पास आने में और कहां कहां से आपने मेरे बारे में कैसे कैसे सुना? देखिए, मुझे तो पता चला, दरअसल मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में, जफर भाई, नासिर भाई, गलत तसीब करे, उन्होंने मुझे गुल्लू भाई के बारे में बताया और मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ और मुझे लगा तो मुझे आना ही पड़ेगा कि अब तो दर्शन इनके करूँगा, सुनता हूँ क्या तबले में। यहाँ पर आया, इन्होंने मुझे पहला तबला दिखाया, गुल्लू भाई उस वक्त नहीं थे, मैंने बस हाथ रखा, ऐसे किया, रखते ही गुल्लू भाई का नाम मैं इतना बोल सकता हूँ पूरी दुनिया में, जिसको भी अगर तबला बनवाना है गुल्लू भाई के पास आओ, क्योंकि आपको छोटी से छोटी चीज़ आपकी स्याही नहीं बोलेगी, आपका सूल किनार से मिलेगा लेकिन घर बराबर है। ये छोटी छोटी चीज़ें लोग पूड़ियाँ बना देते हैं, रेडीमेड चिपका देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, चालू काम कर देते हैं, इतने ईमानदार लोग नहीं होते जो तबला बनाने को इतना शिद्दत से लेते हैं कि बजाने वाले को एक गर्व हो जाता है कि हाँ, हम गुल्लू भाई का तबला बजा रहे हैं, तो हमें गर्व है गुल्लू भाई। अभी रूही भाई के मैंने दो तबले सेट किए हैं, एक के लिए काफ़ी देर से मेरे पास बैठे हैं, तो मैंने सेट करके बिल्कुल सारे दिखाया। ये एफ शार्प और जी तलक आसानी से जा रहा है, बिल्कुल ऐसे कि बस एक हथौड़ी मारो तो जी पे चले जाएगा और उससे ऊपर करो तो जी शार्प है और एफ शार्प है। और एक ये तबला है डी शार्प और डी का, इनकी रेजिडेंस देखिए आप, और अल्लाह का ये करम है, उसका एहसान है कि मेरे पास बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि ये मैं इस फील्ड में आया और लोग इतनी इज्जत से बात करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। देखो ये भाई आए, ये बड़े मेरे कितने साल से आप मेरे पास से जुड़े? तीन साल हो गए मुझे गुल्लू भाई से तबला बनाते हुए, ये हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं ये तबला बना के हमें। और कहाँ से आते हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, काशीपुर, और खास तौर पे यहाँ पे मैं तबला देने के लिए ही आया हूँ। कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर से आदमी अच्छा तबला बनवाना है तिलक नगर में, और दिल्ली में बड़े लोग काम कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं कितने लोग तबला बना रहे हैं? इतने लोग काम कर रहे हैं, ऐसे मतलब मैं क्या बोलना नहीं चाहिए, किसी की ऐसे कुछ बुराई नहीं करनी चाहिए, काम अच्छा है, ठीक है, जैसा भी है, ये इनका लेवल ही है जो पूरी दुनिया में जितने बड़े उस्ताद हैं सब लोग गुल्लू भाई को मानते हैं और वो जानते हैं कि क्यों माना जाना चाहिए गुल्लू भाई को, और बिल्कुल सच मानते हैं। काम के साथ साथ इंसान बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है रूही भाई, ये अगर मैं इस काम से अगर बेईमानी करूँगा तो मेरे हाथ में रूहानी पड़ेगी, लोग बहुत बड़ी बेईमानियाँ कर रहे हैं, 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की करके बेच रहे हैं या 100 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये की करके बेच रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर आदमी बड़ी मेहनत से और बड़ा ईमानदारी से पैसे कमाता है, और आप उससे ईमानदारी से पैसे लीजिए, बढ़िया काम करके दीजिए, सही बात। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आदमी और ईमानदारी से आदमी काम करेगा तो उसे कोई दुनिया में फेल नहीं कर सकता। बाकी का मेरा एक चैनल है गुल्लू म्यूजिकल कैन, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, और मेरा पेज है फेसबुक पर गुल्लू म्यूजिकल कैन, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पे है गुल्लू म्यूजिकल कैन करके, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बजाएं, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें। आप लोगों की हमको बड़ी ज़रूरत है, ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, ये काम तो दुआओं का काम है। जब आदमी ऐसे करके एक आर्टिस्ट ता मारता है तो दिल से दुआ निकलती है।
और ये देखिए इस तबले की आंच देखिए, ये सुनिए, इतने ऊंचे इसकी आंच सुनिए, इतने जो लोग सुनेंगे और देखेंगे वीडियो हेडफोन लगा के जरूर सुने। और ये देखिए, और सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि मुझे डायरेक्ट फोन करें, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, तो जो भी शिकायत हो या कुछ भी हो वो डायरेक्ट कॉल करें प्लीज। आप मैसेज करें, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैसेज नहीं करना जानता ना पढ़ना जानता, तो आपसे गुजारिश है आप कॉल कीजिए और आपका आंसर मिलेगा। ठीक है सर, दुआओं में ज़रूर याद रखना, और ये काम ब्लेसिंग का है, आप ज़रूर ब्लेसिंग कीजिए। क्यों जी, आपको सबकी दुआएं, बड़े बड़े लोगों की दुआएं, बहुत लोगों की दुआएं, और जैसा आपका काम है मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बददुआ दे भी सकता है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, रूही भाई हमारे इतने खुशमिजाज, इतने और लाजवाब इंसान है कि इनका नाम जो रखा वो राहत फतेह अली साहब ने रूही नाम रखा, वो भी 2004 में बैक स्टेज शो के दौरान, उनसे छोटा सा बच्चा, मैंने उनको सर याद भी ना, सच्ची बात ये उनको तो कितने लोग मिलते हैं, मेरे लिए इतनी बड़ी बात, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया छोटे से बच्चे को, क्या नाम है जी, रूही नाम है, ऑटोग्राफ दिया, आज भी मैंने अपने दिल के बहुत संभाल के रखा है, लैमिनेट करवा के रखा है, उन्होंने बस ऐसे लिखा है बेस्ट विशेष।